लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने किया मतदान। चूरू संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रथम चरण में होने वाले चुनावों के लिए डाक मतपत्र के जरिए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां सोमवार को पुलिस लाइन में जिले में ड्यूटी पर तैनात 500 पुलिस कर्मियों ने डाक मतपत्र से मतदान किया। चूरू लोकसभा क्षेत्र में चूरू जिले की 6 तथा पड़ोसी हनुमानगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीटों को मिलाकर कुल 8 विधानसभाएं शामिल हैं। 19 अप्रैल को 22 लाख से अधिक मतदाता यहां अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां भाजपा से टिकट कटने के बाद बागी निवर्तमान सांसद राहुल कस्वां और भाजपा से अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया के बीच सीधा मुकाबला है। चूरू लोकसभा सीट से 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।